पानी की ज़रूरत सबको होती है, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो या फिर आपकी फसल। ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम पानी से हमेशा आपको नुकसान ही होता है। इंसान और जानवर को तो जब भी पानी की ज़रूरत होती है वो कहीं ना कहीं से इसे ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन फसलों के साथ ऐसा नहीं होता है। फसलों तक पानी पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी या आप सभी किसानों की होती है, इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि फसल को जब ज़रूरत हो और जितनी मात्रा में ज़रूरत हो उसे पानी दी जाए, क्योंकि अच्छी फसल पाने की यह एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। आज हम आलू की फसल में सिंचाई के महत्व और उसकी सिंचाई कब कब और कैसे करनी चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आलू की खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। बीज का चुनाव एवं उपचार, खेत की तैयारी एवं आलू की रोपाई, सिंचाई प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, आलू की कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया, आलू की कोड़ाई और आलू के कोड़ाई के बाद की प्रक्रिया। आलू के खेत की सिंचाई प्रबंधन से पहले आइए देखते हैं कि हमारी पिछली वीडियो आलू के खेत की तैयारी एवं आलू की रोपाई से कितनी बातें भैया और दीदी को याद है। दीदी, आलू के लिए खेत का तैयारी और बीज का रोपाई वाला वीडियो आप देखे थे? हाँ भैया, हम लोग आलू वाला वीडियो सब देखे थे। बहुत अच्छा दीदी, तो आप बताइए कि उस वीडियो से आप क्या क्या सीखे? उस वीडियो से हम लोग ये सीखे कि खेत की जुताई मिट्टी भुरभुरी होनी तक करनी चाहिए और कम से कम 4 बार जुताई करनी चाहिए और हर जुताई में 2 से 3 दिन का अंतर होनी चाहिए। इसके बाद अंतिम जुताई के पहले 20 डिसमिल जमीन में 20 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद डालकर जुताई करनी चाहिए और खेत में पट्टा चलाकर समतल बनाना चाहिए। बिल्कुल दीदी। और बीज लगाने के लिए 1.5 फीट की दूरी पे 5 से 7 फीट की लंबी क्यारियाँ बनानी चाहिए और 8 से 8 इंच की दूरी में उपचारित और अंकुरित बीज नालियों में लगाना चाहिए। हाँ दीदी, एक बात और याद रखना चाहिए कि नालियों में बीज लगाने से पहले उसमें हमें सड़ी हुई गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा मिली हुई गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। हाँ भैया, ये सब तो हम लोग करते ही हैं। आलू की फसल में सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सही समय पर और उचित मात्रा में पानी दिए जाने से न केवल आपकी फसल में काफी अच्छी वृद्धि होती है बल्कि वह आपको उपज भी ज्यादा देती है। एक ओर कम सिंचाई से जहाँ आलू की उपज कम हो सकती है, वहीं दूसरी ओर जरूरत से अधिक सिंचाई से नुकसान भी होता है। क्योंकि सिंचाई में किसानों को लागत और मेहनत दोनों काफ़ी लगानी पड़ती है, इसलिए यह जरूरी है कि सिंचाई के तरीकों को ठीक से समझकर उसका पालन किया जाए। आलू की फसल में सिंचाई के महत्व और उसकी सिंचाई को समझने के लिए आज हम झारखंड के इचाक ब्लॉक के मंगूरा गाँव में हैं, जहाँ भैया और दीदी हमें यह दिखाएंगे कि इसकी सिंचाई कैसे की जाती है। इससे पहले आइए देखते हैं कि इस प्रक्रिया के बारे में दीदी और भैया का क्या सोचना है। समय समय पे सिंचाई करते हैं, लेकिन कोई नियम कानून से नहीं करते हैं। जब ज़रूरत होती है तो सिंचाई करते हैं। सिंचाई से तो फायदा ही होता ही है। सिंचाई नहीं करने से फसल बर्बाद हो जाएगी। जिस समय पानी की जरूरत पड़ती है उस समय पानी डालते हैं। अंदाज से हम लोग जो खेती कर रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग खेती कर रहे हैं, अब पानी हम लोग समय समय से हमें अपना नियम से हम लोग दे रहे हैं, अब का पता हम लोग का जो नियम है सही है गलत है। आलू की खेती में सिंचाई का आपका तरीका सही है या गलत अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। आलू की खेत की मिट्टी में खेत की तैयारी से लेकर पूरी फसल के दौरान हल्की नमी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आलू के खेत में अत्यधिक नमी का लगातार बने रहना भी फसल की वृद्धि, कंदों के बनने और उसके विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए बुआई के समय ही नालियों को ऐसे बनाएं कि सिंचाई के समय उसमें पानी एक छोर से दूसरे छोर तक समान रूप से लगे। नालियों की लंबाई सिंचाई के साधन के अनुसार बड़ी या छोटी रखना चाहिए, लेकिन हर स्थिति में नालियों का समतल होना सही और अच्छी सिंचाई को सुनिश्चित करेगा। सिंचाई करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि नालियों में पानी उसके ऊंचाई के 2/3 भाग तक हो। क्यारी में पानी कभी भी इस तरह से नहीं भरना चाहिए जिससे कि पानी क्यारी के ऊपर तक आ जाए,
अगर पानी ऊपर तक आ गया हो तो उसे खेत से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी से फसल को नुकसान होता है। आलू में जैसा कि बताया जा रहा है, सिंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। हल्की सिंचाई करना अति आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि किसान के पास जो सिंचाई का साधन है वो ऐसा होता है कि 2 हॉर्स पावर का मोटर है या उससे ज़्यादा हॉर्स पावर का मोटर है, तो उससे पानी बहुत तेज़ी की गति से निकलता है और नालियों में एकदम से भर जाता है। ऐसी स्थिति होने पर आपको 3-4 नालियों में एक साथ खोलकर हल्की हल्की सिंचाई करने का प्रयास कर सकते हैं। आलू की फसल की पहली सिंचाई अंकुरण के समय ही करना चाहिए। बीज लगाने के 5 से 7 दिन बाद इसमें अंकुरण आने लगता है। कई बार किसान बुआई के तुरंत बाद या अगले दिन ही सिंचाई कर देते हैं, इससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है। यहाँ वीडियो रोक कर चर्चा करें, आलू में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए एवं सिंचाई की सही मात्रा क्या है। आलू की फसल में सिंचाई को सही तरीके से और सही समय से करने की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब आलू में कंद बनना शुरू होते हैं। इस अवस्था में फसल को बहुत हल्की लेकिन बार बार सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा करने से छोटे छोटे कंदों की संख्या कम होती है और ज़्यादातर आलू सामान आकार के बनते हैं। यह अवस्था बुआई के करीब 40 से 50 दिनों पर आती है, लेकिन किसान इसे अपने खेत में 1-2 पौधों की जड़ों को मेड़ की बगल से मिट्टी हटाकर भी देख सकते हैं। आलू के कंदों का बनना जड़ों से लगे हुए बहुत छोटे छोटे सरसों के दाने जैसे सफ़ेद कंदों के रूप में देखा जा सकता है। इस अवस्था में नालियों में पानी सिर्फ आधा ही भरे और जरूरत के अनुसार 5 से 7 दिन बाद फिर सिंचाई करें। कंदों की बनने की ये प्रक्रिया लगभग 1 माह तक चलती है, यानी करीब 4 हफ्ते तक फसल को हल्की लेकिन नियमित और जल्दी जल्दी सिंचाई करनी चाहिए। इस बात को किसानों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि इस अवस्था में सिंचाई में किसी तरह की ढिलाई या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा उपज और उसकी गुणवत्ता पर पड़ता है। आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करना ज़रूरी होता है, इसलिए जब भी मिट्टी चढ़ाए उसके 2-3 दिन बाद हल्की सिंचाई जरूर कर दें। मिट्टी चढ़ाने के तुरंत बाद सिंचाई करने की बजाय जड़ों को 3-4 दिनों तक हवा लगने दें और मिट्टी को थोड़ा सूखने दें, फिर सिंचाई करें। फसल की बाकी सिंचाई मिट्टी के प्रकार और खेत की नमी के अनुसार 10-12 दिन के अंतराल पर हल्का पानी लगाकर करते रहें। अगर बीच में बारिश हो गई हो तो सिंचाई सिर्फ जरूरत के अनुसार ही करें। किसानों को सिंचाई अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और अपने खेत की मिट्टी के नमी और फसल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यहां वीडियो रोककर चर्चा करें, आलू लगाने के 40 से 50 दिन के बाद की अवस्था में सिंचाई में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इससे हमें क्या फायदा होता है। पहली और अंतिम सिंचाई को छोड़कर हर सिंचाई में पानी के साथ 20 डेसिमल खेत में 30 लीटर ताज़ा बनाया हुआ जीवामृत नाली में मिलाकर जरूर डालें। इसे डालने के लिए एक प्लास्टिक के केन या मिट्टी के घड़े में एक बारीक छेद कर उसे सिंचाई के नाली में इस तरह रखें कि जीवामृत का घोल धीरे धीरे सिंचाई के पानी के साथ मिलकर खेत में पहुँच जाए। आलू की फसल में अंतिम सिंचाई फसल उखाड़ने से 10 से 15 दिन पहले के करीब बंद कर देनी चाहिए। यह अवस्था आमतौर पर जो आलू की वैरायटी लगाई जाती है उसमें 100 से 110 दिन के आसपास आ जाती है। ऐसा करने से आलू के कंदों का छिलका कठोर हो जाता है और उखाड़ते समय उनके छिलकर खराब होने का डर कम होता है। आलू के भंडारण में भी इससे सुविधा होती है और आलू को लंबे समय तक रखा जा सकता है। कुछ किसान आलू उखाड़ने में सुविधा हो इसलिए मिट्टी को नरम करने के लिए खुदाई से ठीक पहले सिंचाई कर देते हैं। यह प्रक्रिया ठीक नहीं है, इससे आलू के कंद ठीक से नहीं बन पाते हैं और आगे चलकर आलू के सड़ने का खतरा होता है।
यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें। आलू की फसल में सिंचाई के साथ जीवामृत का प्रयोग करने की सही मात्रा एवं प्रक्रिया क्या होती है एवं आलू में अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए। एक और जरूरी बात, जिन किसानों ने अपने खेत की तैयारी के समय हाइड्रोजल का प्रयोग किया है उन्हें साधारणतः कम सिंचाई की जरूरत होगी। जिन किसानों ने अपने खेत में हाइड्रोजेल का प्रयोग किया है उन्हें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। जिन किसानों के खेत में हाइड्रोजेल का नहीं प्रयोग नहीं किया गया है वहाँ अगर एक हफ्ते में सिंचाई की जरूरत पड़ती है तो हाइड्रोजेल प्रयोग किए गए खेत में वो सिंचाई की आवश्यकता 10 से 12 दिन बाद ही पड़ेगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि जमीन सूखी दिखाई दे और ऐसा होने पर किसान सिंचाई करने का निर्णय ले लें, लेकिन ऐसा ना करें बल्कि आप पौधे की जल की या सिंचाई की आवश्यकता को देखकर ही सिंचाई करें। हाइड्रोजेल प्रयोग किए गए खेतों में कम सिंचाई की आवश्यकता होगी, मिट्टी सूखी होने के बाद भी पौधे हरे भरे बने रहेंगे। इस प्रकार आप भी अपने आलू के फसल को समय पर और जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर इसके उपज को बढ़ा सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कीट एवं रोग प्रबंधन कैसे किया जाता है। तब तक आप सभी किसान अपने फसल की जरूरत के हिसाब से उसकी सिंचाई करते रहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, त्वचा की एलर्जी या फिर त्वचा रोग होने पर आलू का प्रयोग करना चाहिए। कच्चे आलू का रस लगाने से त्वचा रोग में फायदा होता है। समझौता न करने वाली बातें, आलू लगाई गई क्यारियों या नालियों में सिंचाई के समय अधिक से अधिक उसकी ऊंचाई के 2/3 भाग तक ही पानी भरना चाहिए। आलू लगाने के 40 से 50 दिन बाद से 1 महीने तक आलू में कंद लगने का समय होता है। इस बीच फसल में थोड़ा थोड़ा करके लगातार सिंचाई करनी चाहिए। अंतिम सिंचाई फसल के उखाड़ने से कम 10 से 15 दिन पहले कर दें। Yeah.